ਕੁਮਾਰ ਸਰਮਾਪਤੀ ਮਹੋਦੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਚੌਵੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਆ ਗਿਆ नियम 377 के अधीन सूचना औद्योगिक विकास के लिए राज्य की सरकारें लीज पर जमीन उपलब्ध कराती हैं। जिन शर्तों के आधार पर जिस कार्य के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाती है उसका उपयोग सही कार्य के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसकी जांच करानी चाहिए। जैसे कि मेरे लोकसभा क्षेत्र सत्ता में स्थापित बिरला सीमेंट कंपनी, विजय सीमेंट, केजीएस सीमेंट, यूनिवर्सल केबल्स, जेपी बाबूपुर, मैहर सीमेंट सरला नगर तथा एसीसी सीमेंट कैमोर, जिला कटनी की स्थापना के लिए जितनी जमीन लीज में दी गई थी उसमें अनुपयोगी जमीन पर जबरन कब्जा है, उसे कंपनियों से वापस ले लेना चाहिए। बिरला जूट एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सीमेंट डिपो को 99 साल के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सन 1956 में लगभग हजारों एकड़ जमीन को लीज पर दिया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के द्वारा 2013 में बनाए गए नए भू अर्जन कानून के तहत जिस जमीन का अभी तक जिस उद्देश्य के लिए लीज दी गई थी यदि उसका उपयोग नहीं किया गया तो वह जमीन वापस ली जानी चाहिए। सतना जिले में बिरला सीमेंट में ने अभी तक सीमेंट प्लांट लगा लिया, आवास बना लिया, अस्पताल, स्कूल, खेल मैदान, क्वार्टर, बाजार आदि सब बन गए, शेष जमीन में मात्र बाउंड्री बनाकर जबरन कब्जा कर रखा है। शहर का विकास रुका हुआ है, स्मार्ट सिटी की घोषणा है, इसके लिए सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए तथा शासकीय भवन आदि बनाने के लिए जमीन की जरूरत पड़ती रहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरी मांग है कि जिस उद्योग के लिए कंपनियों को जमीन लीज पर दी गई थी उसकी जाँच करा ली जाए तथा शेष खाली जमीन वापस ली जाए ताकि जनहित में सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए तथा शासकीय भवन आदि बनाने के लिए जमीन का सदुपयोग हो सके। धन्यवाद।